वृषभ राशि के जातकों, फरवरी महीने का राशिफल आपके लिए प्रस्तुत है। उससे पहले कि आगे के वीडियोस देखते रहने के लिए आप अभय ज्ञान प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के मार्च महीने के भी और आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए चलते हैं, बताती हूँ आपका फरवरी का राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये माह काफ़ी शुभ संकेत दे रहा है। जो जातक संपत्ति खरीदने की सोच रहे हों, उनके लिए ये माह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके कार्य पूर्ण होंगे, इसके साथ ही आप वाहन खरीदने पर भी विचार कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। वाह क्या बात है, आप घर और वाहन दोनों खरीद सकते हैं, तो बहुत बड़ा सपना होता है और ये पूरा होता दिखाई दे रहा है। शुभकामनाएं आपको। आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए, भाग्य आपका साथ दे रहा है। कैरियर की बात करें तो इस महीने में आप अपने कैरियर में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। यदि आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपका साथ देगा। आपको कुछ अवसर मिल सकते हैं जो आपके कैरियर के लिए अच्छे साबित होंगे। कार्यस्थल पर आप कुछ कार्यों को लेकर गंभीर हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग की बात करें तो इस माह आपको व्यापार में लाभ हो सकता है। यदि कोई नया व्यापार करने की योजना बना रहे हैं तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ प्रारंभ करना चाहिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। किसी भी हानि से आप बच जाएंगे। ऐसा ना करने पर आप तनाव में आ सकते हैं। बात वित्तीय स्थिति की करें तो आपके लिए ये धन के मामले में अच्छा रहने वाला है। रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। धन के कारण आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, कार्य हेतु धन संचय हो जाएगा। वृषभ राशि के जातकों के परिवार व प्रेम संबंधों के लिए ये माह कुछ खास होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इस माह में आप अपने परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश कीजिए और आप कोशिश करेंगे तो शांति अवश्य आपके घर में आएगी और सब चीज़ें ठीक रहेंगी। उससे आपके घर में तनाव की स्थिति कम होगी, परिवार के सदस्य शांति से रहेंगे। वैवाहिक जातकों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। साथी के साथ चल रहा विवाद समाप्त होता दिखाई दे रहा है। प्रेमियों के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। बात विद्यार्थियों की करें तो इस माह वृषभ राशि के विद्यार्थियों को अपने शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आपके मन मुताबिक परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो इसी के साथ ही कहूँगी कि आपके भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएँ, और आपका स्वास्थ्य भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है तो आपको ये करना होगा, सूर्य भगवान की आराधना। प्रातःकाल उठिए, सूर्य भगवान को लोटे में जल लीजिए, लाल रोली डालिए, लाल फूल डालिए और ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अगर आप ये नहीं कह पाते हैं तो गायत्री मंत्र या छोटे रूप में आप कह सकते हैं ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, आपको यश और प्रसिद्धि देंगे। तो आप अगर प्रातःकाल उठकर रोज दिनचर्या बना लें इसे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और भोलेनाथ की शरण में रहिए, भोलेनाथ तो सारी समस्याओं को दूर करते हैं, आपके लिए अच्छा करते हैं। तो वो हमारे आदि देवता हैं, तो भोलेनाथ का नाम लेते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी आपके अग्रिम भविष्य के लिए। तो मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।